दोस्तों स्वागत है थोड़ा सारा का पंजाब जॉब अपडेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के उत्ते। दोस्तों आज की वीडियो में आप गल करांगे पीपीएससी यानी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर निकलियां पोस्टों बारे। ये पोस्टा जो ने दोस्तों सीनियर असिस्टेंट पोस्टा कड़िया गई ने। यह पोस्टा जो ने दोस्तों ग्रुप बी लैवल पोस्टा ने जो कि पंजाब के अलग अलग डिपार्टमेंट के कड़िया गई ने। इन पोस्टा की दोस्तों की एलिजिबिलिटी है, तुसीं इन्हां नूं किवें अप्लाई कर सकते हो, सारी जानकारी जो है तुहानूं इस वीडियो दे राहीं दित्ती जाएगी। वीडियो शुरू करने तो पहला दोस्तों जेकर तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया है तो सब तो पहला तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो ताकि तुहानूं आने वाली नवें नवें पोस्टों बारे जो है वो पता लगता रहे। तो दोस्तों गल करिए सीनियर असिस्टेंट दीआं पोस्टों बारे। इन्हां दी टोटल गिनती असीं तुहानूं पहले ही दस चुके हैं कि इन्हां दी टोटल गिनती जो है वो 198 पोस्टों के करीब है जो कि पंजाब गौरमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के कढ़िया गई ने। यह पोस्टा जो ने तुसीं देख सकते हो दोस्तों 21 पोस्टा जो ने इन्हां दीआं सीनियर असिस्टेंट दीआं वो हैड ऑफिस ग्रुप बी लैवल दीआं ने जो ने दोस्तों वो स्कूल एजुकेशन गौरमेंट ऑफ पंजाब दे विच निकलियां ने। उस तों बाद जो 61 पोस्टा ने वो थोड़ा सबोर्डिनेट ऑफिस ग्रुप बी इन द डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन गौरमेंट ऑफ पंजाब ए भी उस दे विच निकलियां ने। और जो 13 पोस्टा ने दोस्तों वो वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट के ने। 78 पोस्टा जो ने दोस्तों वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के निकलिया ने। इस तरह ही दोस्तों जिमें कि तुम देख सकते हो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के जिमें कि 12, 4, 8 पोस्टा भी जो ने दोस्तों वो इन्हों वालों कड़िया गई ने। याद रहे दोस्तों इन्होंने पोस्टा के लिए थोड़ा एक ही एग्जाम होएगा यानी कि थोड़ा जॉइंट कॉम्पीटिटिव एग्जामीनेशन जो है इन्होंने पोस्टा के लिए होगा। भावें ये पोस्टा अलग अलग पब्लिश किया गया है तो ये पोस्टा जो ने दोस्तों अलग अलग अपलाई करनिया पैनगियां, बट इन्हों का जो एग्जाम है दोस्तों इकट्ठा ही होगा। दोस्तों हुण जेकर आपां डिपार्टमेंट अते कैटेगरी वाइज इन्हां पोस्टां दी गल करिए तां किहड़े डिपार्टमेंट जी किन्नियां पोस्टां ने तां तुसीं देख सकदे हो कि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उस दे विच तुहाडियां जनरल कैटेगरी दीआं 8 पोस्टां, जिहदे विच 2 पोस्टां जो ने वूमेन दे लई रिजर्व ने। EWS दीआं 2 पोस्टां, 1 पोस्ट वूमेन लई रिजर्व है। एक्स सर्विसमैन लई 2, परसन विद डिसेबिलिटी लई 1, उस तरह ही शड्यूल कास्ट लई 2, मजहबी सिख लई 3, वाल्मीकि मजहबी एक्स सर्विसमैन लई 1, अते बैकवर्ड क्लास दे लई 2 पोस्टा कड़ियां गईयां ने। इन्हां दी टोटल गिनती तुसीं देख सकदे हो 21 दे करीब टोटल पोस्टा ही कड़ियां गईयां ने। इस तरह ही दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग पोस्टा जो ने इन्हां वल्लों कड़ियां गईयां ने। यह पोस्टा हुण स्कूल एजुकेशन गौरमेंट डिपार्टमेंट पंजाब दे विच वी इन्हां दी गिनती जो है इत्थे दिखाई गई है। दोस्तों बाकी डिपार्टमेंट के भी कितनियां पोस्ट निकलियां ने इसकी कंप्लीट जानकारी लेने के लिए तुसीं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के जाके इतों लिंक जो है तुहानूं एक प्रोवाइड करवा देवांगे जिथों तुसीं इस नोटिफिकेशन जो है दोस्तों डाउनलोड कर सकते हो। अते नाल दी इन्हां पोस्टां नूं अप्लाई करन दा ऑनलाइन लिंक भी जो है तुहानूं जो उत्थों जो है दोस्तों प्रोवाइड करवा दिता जाएगा। हुण दोस्तों आपां गल करदे हां इन्हां पोस्टां दे लई पे स्केल की होवेगा। तां तुसीं देख सकते हो कि इन्हां पोस्टां दी जो पे स्केल है वो 35,400 रुपये पर मंथ जो है तुहाडा वो रहण वाला है। हुण आपां दोस्तों गल करदे हां इस दे विच क्वालिफिकेशन तुहाडा की मंगिया है। क्वालिफिकेशन दे विच आपां गल करदे हां दोस्तों इन्हां वल्लों मंगिया है प्रोसैस दा बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दोस्तों तुहाडी बैचलर डिग्री जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी तो होनी चाहिए है ता ही तुसीं इन्हां पोस्टां नूं अप्लाई कर सकते हो। अते उस दे नाल ही तुहाडा एक इन्हां वल्लों जो है दोस्तों एक टैसट जो है लिया जाएगा जिस दे आधार ते तुहाडी मैरिट बनेगी। अते नंबर 3 दे विच इन्हां ने लिखा है कि इन्हां एक कंप्यूटर दा तुहाडे कोल ISO दा सर्टिफिकेट भी जो है दोस्तों वो 120 घंटे वाला तुहाडे कोल होना चाहिए है। अते उस दे नाल ही दोस्तों तुहाडा एक पंजाबी अते इंग्लिश दा टाइपिंग टैसट भी जो है दोस्तों कंप्यूटर ते होवेगा जिस दे जो कि तुहानूं क्लीयर करना जरूरी होवेगा ता ही तुहाडी जो है दोस्तों सिलेक्शन जो है दोस्तों पोस्टां दे विच होवेगी। अते इस दे नाल ही मैट्रिक लैवल दी तुहाडी 10वीं जो है पंजाबी विशा जो है दोस्तों तुहाडा वह पास होना चाहिए है। हुण दोस्तों आपां गल करदे हां एज लिमिट बारे। तो तुसीं देख सकते हो कि मिनीम 18 साल अते मैक्सीम 37 साल तक के जो कैंडीडेट ने इन्हां पोस्टां नूं अप्लाई कर सकते हैं। जेकर आपां गल करिए क्वालिफिकेशन बारे तो 5 जुलाई 2022 तो पहला दा तुहाडा जे क्वालिफिकेशन पूरा करदे हो तुसीं तां ही तुसीं इन्हां पोस्टां नूं जो है वो भर सकते हो। हुण आपां अपर एज लिमिट की गल करिए तो दोस्तों BC कैटेगरी के जो कैंडीडेट होंगे ने उन्होंने अपर एज लिमिट जो है दोस्तों वो 42 साल अते SC कैटेगरी के भी जो कैंडीडेट ने उन्होंने अपर एज लिमिट जो है दोस्तों 42 साल होगी। पंजाब के गौरमेंट सेंट्रल गौरमेंट एम्पलॉइज़ के लिए जो मैक्सीम एज है वो 45 साल जो है दोस्तों वो होगी। दोस्तों जेकर आप सिलेक्शन प्रोसैस की गल करिए तो इस दे लिए रिटर्न एग्जाम जो है दोस्तों देना पवेगा जिसका पैटर्न जो है असं तुहानूं दस दिंदे हां। तुहानूं
एक टोटल 120 क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछे जाएंगे, जिसके विच तुहानू टोटल 480 मार्क्स का जो है दोस्तों एग्जाम जो है तुहाडा आएगा। ये एग्जाम जो है दोस्तों तुहाडा रिटन होगा, इस दे नाल ही तुसी दे सकते हो सिलेबस के विच तुहाडी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर जो है दोस्तों वो 80 क्वेश्चन की आएगी, जो कि तुहाडी टोटल 320 मार्क्स की होगी। गल करिए आपां लॉजिकल रीजनिंग मैंटल एबिलिटी की, तो तुहाडी 40 क्वेश्चन की आएगी, जो कि तुहाडे टोटल 160 मार्क्स की होगी। टोटल जो है दोस्तों थोड़े 120 क्वेश्चन आएंगे, 480 का तुहाडा जो है दोस्तों एग्जाम होगा। ये दोस्तों जो एग्जाम है ये MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इस विच जो है तुहानू पूछे जाएंगे। हर एक सही आंसर के लिए तुहानू 4 मार्क्स जो ने दोस्तों वो दिते जाएंगे। याद रहे दोस्तों इस विच तुहाडा जेकर एक क्वेश्चन सही हुंदा है तां तुहानू उसदे 4 नंबर मिलणगे, अते जेकर तुहाडा क्वेश्चन गलत हुंदा है तां तुहानू उसदे नैगेटिव मार्किंग दा तुहाडा 1 नंबर जो है इस दे विचों वो कट होएगा। दोस्तों गल करिए आपां ड्यूरेशन ऑफ एग्जामीनेशन की, तुहाडा टोटल जो एग्जाम है 2 घंटों का होगा, जिस दे विच आपां सिलेबस की गल करिए वो भी जो तुहानू इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के विच जो है तुहानू एक लिंक जो है प्रोवाइड करवा दिता जाएगा, जिसों तुसीं इसका सिलेबस जो है दोस्तों वो डाउनलोड कर सकते हो। हुण आपां दोस्तों गल करते हैं इसकी फीस बारे। फीस के कॉलम से असीं तुहानू ले चलते हाँ। फीस तो पहला दोस्तों असीं तुहानू दस दिए कि इन्हां नू अप्लाई करन दी जो डेट है दोस्तों वो अज मिती दोस्तों अज तो शुरू हो चुकी है, ते इन्हां नू अप्लाई करन दी जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 5 जुलाई 2022 तक है। तुसीं इन्हां पोस्टां नू 5 जुलाई 2022 तक अप्लाई कर सकते हो। स्टैप 2 दे विच तुसीं अपना जो चलान है दोस्तों वो 6-7 तक जनरेट कर सकते हो। उस तो बाद थोड़ा जिहड़ा चलान है दोस्तों उसनू तुसीं 12-7-2022 तक जो है दोस्तों बैंक विच जाके जो है वो भर सकते हो। दोस्तों हुण आपां गल करते हैं इसकी फीस बारे। तो SC कैटेगरी, BC कैटेगरी और शड्यूल ट्राइब दे ले जो कैंडीडेट ने उन्हां दी फीस जो है दोस्तों 750 रुपए यानी कि 750 रुपए होगी। एक्स सर्विसमैन जिहड़े कि पंजाब स्टेट दे ने उन्हां दी टोटल फीस जो है दोस्तों 500 रुपए होगी। इस दे नाल ही आपां गल करते हैं इकनोमिकली वीकर सैक्शन परसन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट की, तो उन्हां दी फीस भी जो है दोस्तों 500 रुपए होगी। ऑल अदर कैटेगरी जिमें कि जनरल, स्पोर्ट्स, पंजाब एंड वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर की जो फीस है दोस्तों वो 1500 रुपए फीस जो है इस दे विच वो रखी गई है। याद रहे दोस्तों ये फीस जो है तुसी एक सिस्टम जनरेटर चलान के थ्रू सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच के विच ही भर सकते हो। दोस्तों हुण असीं तुहानू सीधा ले आए हैं PPSC की यानी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वैबसाइट के उत्ते, जिथों तुसी ये फार्म किवें अप्लाई करना है उसके बारे असीं तुहानू दसांगे। तुसी दे सकते हो इत्थे ओपन एडवरटाइजमेंट नाम का लिंक जो है इत्थे दिता है, तुसी इस लिंक उपर क्लिक करना है। इस लिंक उपर क्लिक करने बाद तुहाडे सामने एक ऑफिशियल वैबपेज खुलेगा, जिथे तुसी देख सकते हो कि सीनियर असिस्टेंट दे जिन्नियां भी पोस्टा जो अज मिती 14/6/22 नूं जो अपलोड कीतियां गईयां ने उन्हां दी डिटेल जो है इत्थे पाई गई है, तुसी देख सकते हो। ये असीं तुहानू सारियां एडवरटाइजमेंटा दिखा दिंदे आ। एक ऐड ए वाली है दोस्तों, उस तो बाद ये भी 14/6 नूं इत्थे पाई गई है, उस तो बाद ये भी 14/6 नूं इत्थे ऐड जो है दोस्तों पाई गई है। इस तरह दोस्तों टोटल 8 ऐड जो ने इन्होंने 14 जून नूं अपनी ऑफिशियल वैबसाइट के उत्ते अपडेट कीतियां ने। इन्हां पोस्टां नूं अप्लाई करन दे लई तुसीं इस दित्ते गए अप्लाई या व्यू बटन दे उपर क्लिक करना है। क्लिक करन तो बाद तुहाडे सामने एक पेज खुलेगा, असीं तुहानूं दिखा दिंदे हां दोस्तों। उस दे उपर क्लिक करन तो बाद तुहाडे सामने एक पेज जो है दोस्तों खुल के आएगा, जिस दे उपर तुहानूं अप्लाई करन दी डेट, लास्ट डेट अते एप्लीकेशन फॉर्म किदा फिल करना है उसके बारे गाइडलाइन भी इतने दसी गई हैं। जनरल इनफॉर्मेशन ऑफ फॉर कैंडीडेट जिस नोटिफिकेशन है उसनों तुसी किमें ये फार्म किमें अप्लाई करना है, की कंडीशन लगियां वो सारी डिटेल इतने दिती हुई है। इस तो बाद इतने दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन का लिंक जो है इतने दिता गया है, तुसी इस लिंक उपर क्लिक करोगे। इस लिंक उपर क्लिक करने बाद तुहाडे सामने एक वैब पेज खुल जाएगा, जिथे तुसी अपनी मंगी की जानकारी भर के अपना फॉर्म जो है दोस्तों सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट का वो फिल कर सकते हो। फिल करने तो बाद तुहाडे सामने एक दोस्तों एक अपने फोटो के साइन थोड़ू अपलोड करने होंगे, उस तो बाद अपना बैंक चलान जो है जनरेट करना है। जनरेट करने तो बाद उसनू 2 दिन बाद किसी भी SOE ब्रांच में भर देना है। उस तो बाद उसी अपने 2 दिन बाद इसका प्रिंट आउट ले लेना है, जिस कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो है दोस्तों इस आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के बस इन्ना ही, जेकर वीडियो चंगी लगी हो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दो। धन्यवाद दोस्तों।